हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पार्कलिंग नेचर। आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ गार्नियर अल्ट्रा ब्लेंड्स एंटी हेयर फॉल शैम्पू का। इट हैज़ रॉयल जेली एंड लैवेंडर। इट इज़ पैराबेन फ्री। इट हैज़ नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स। दिस इज़ मेनली फॉर ब्रेकिंग हेयर विच इज़ प्रोन टू फॉल एंड इट इज़ सपोज टू स्ट्रेंथन हेयर एंड इट रिड्यूसिस हेयर फॉल। सो दीज आर ऑल द हाईलाइट्स मैंशनड ऑन द फ्रंट लेबल। अगर हम इसके बैक पैनल की बात करें तो यहाँ पर सारी डिटेल्स मेंशन है दोस्तों, आप इसे यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं। इट डिटेल्स फॉर MRP ₹240 फॉर 340 ml ऑफ प्रोडक्ट। सो दिस इज़ क्वाइट अफोर्डेबल एंड इट हैज़ अ शेल्फ लाइफ ऑफ 3 ईयर्स। सो फ्रेंड्स, अगर हम इसके हाइलाइट्स की बात करें तो इसके पास है रॉयल जेली। दिस इज़ नोन टू बी रिच इन अमीनो एसिड्स, वाइटमिन्स एंड लिपिड्स। दिस इज़ सपोज टू बी अ नेचुरल प्रोडक्ट। सो वैन वी टॉक अबाउट द इंग्रीडियंट्स, द सेकेंड वन इज सोडियम लॉरेट सल्फेट। दिस इज द चीफ सर्फेक्टेंट यूज हियर। द थर्ड इंग्रीडियंट इज डायमेथिकॉन एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ सिलिकॉन एंड सिलिकॉन्स आर बैड फॉर योर हेयर। इसमें कुछ नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स का भी यूज़ किया हुआ है एंड इट हैज़ ग्लिसरीन एज वेल। सो दीज आर द गुड वंस। अगर हम इसके लास्ट इंग्रीडियंट्स की बात करें तो इसमें है सैलिसिलिक एसिड। इसमें है फिनॉक्सी इथेनॉल विच इज़ यूज एज अ प्रिजर्वेटिव। इट हैज़ फ्रेग्रेंस लिनालूल, जिरानियॉल, क्यूमेरिन, सिट्रोनेलोन एंड दीज आर द बैड इंग्रीडियंट्स। दीज आर द चीप फ्रेग्रेंट इरिटेटिंग कॉम्पोनेंट्स। सो इंग्रीडियंट लिस्ट इज़ नॉट वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बट दिस इज़ नॉट द वर्स्ट एज वेल। इट इज़ काइंड ऑफ ओके। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंस की तो वो इसके साथ बहुत नॉर्मल रहा, एवरेज रहा एंड मेरी फैमिली ने भी इसे यूज़ किया है, उन्हें भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ऑल्दो इसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट भी क्रिएट नहीं किया हेयर पर, बट दिस इज़ अ डिसेंट शैम्पू। एंड फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू क्विकली मैंशन दैट जब भी मैंने इसे ऑयलिंग के बाद यूज़ किया तो मेरे हेयर काफ़ी अच्छे रहे एंड दे डिड नॉट फेल्ट ड्राई। एंड जब भी मैंने इसे विदाउट ऑयलिंग यूज़ किया दे फेल्ट ड्राई। मेरे हेयर टाइप ड्राई है सो बेसिकली मैं ऑयलिंग के बाद ही कोई भी शैम्पू यूज़ करती हूँ, तभी मेरे हेयर ड्राई फील नहीं होते, अदरवाइज ड्राई फील होते हैं। एंड इफ़ यू आर ऑयली स्किन, ऑयली स्कैल्प पीपल, देन इट माइट नॉट कॉज एनी ड्राइनेस टू योर हेयर। एंड फ्रेंड्स, मैं बताना चाहती हूँ कि रॉयल जेली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है हनी बीज के लिए, वो इसे सिंथेसाइज करते हैं एंड उनसे लेकर हम इसे एक शैम्पू में यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेस्टफुल प्रोसेस फॉर मी बिकॉज दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर हनी बीज। एंड जहाँ तक इसके एंटी हेयर फॉल क्लेम की बात है तो कोई भी शैम्पू एंटी हेयर फॉल क्लेम को फुलफिल नहीं कर सकता जहाँ तक कि मैं सोचती हूँ। एक शैम्पू का काम होता है प्रॉपरली हेयर को क्लेंस करना विदाउट स्ट्रिपिंग स्कैल्प एंड हेयर, दैट्स इट। इससे ज़्यादा हम एक शैम्पू से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। दे आर मैनी अदर वेज टू ट्रीट हेयर फॉल प्रॉब्लम्स। सो फ्रेंड्स, मैं इसे रेट करना चाहती हूँ 3.5 out of 5। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।